वाह, अच्छे से बना, अच्छे से। ये रोटी बनाना तुझे बहुत, बना बना बना। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गीता उत्तराखंडी देवभूमि के हल्द्वानी शहर से। गाइस, सुबह की बज चुकी है 11। आज के ब्लॉगिंग की स्टार्ट मेरे 11 बजे से हो रही है, जैसा कि आपको पता है। आजकल ना मेरा ब्लॉग बनाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं जब से घर से आई हूँ ना, तब से थोड़ा मूड अजीब सा हो रखा है, और शादी में गई, शादी के बाद भी थोड़ा मूड अजीब सा हो रखा है, इसलिए ब्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा है। बाकी आप लोगों को पता ही है कि जो सिस्टर की शादी थी, उसके बाद सबका मूड कैसा हो जाता है। एक लड़की की विदाई होती है तो उसके बाद वो पल कैसा होता है, आप लोगों को पता ही है। और बाकी जिसको पता नहीं है वो भी मतलब देख सकते हैं कि मेरे बाकी वीडियो में देख सकते हैं कि कैसा पल होता है, कैसा रोना आता है। तो इसलिए ना थोड़ा मेरा भी मूड वैसी हो रहा है, अभी भी वैसी है। बाकी ना मुझे अभी भी अपने मायके की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, क्योंकि ना मैं 3-4 महीने वहीं पर रही हूँ, तो इसलिए मुझे कुछ ज़्यादा ही वहाँ का ज़्यादा ही हो जा रहा मुझे। तो बाकी करते हैं आज के ब्लॉगिंग की स्टार्ट चाय पीने से, क्योंकि 11 बजे मैं चाय पी लेती हूँ पहले, और लंच हमने कर लिया है। लंच करने के बाद ही मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्ट हो रही है, और अभी 10 बजे हमने लंच कर लिया था यहाँ पे। तो उसके बाद अब चाय बना रही हूँ, चाय पी लेती हूँ, उसके बाद करते हैं ब्लॉग को कंटिन्यू। मेरी बनने लग गई है चाय, जब तक मेरी चाय बनती है तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। सब्जी के बाद करने और सारे काम, लेकिन क्या ही करो यार, काम करने का बिल्कुल मन नहीं करा मेरा यार, बिल्कुल ही मन नहीं करा। पता है जब आप लोगों तो अपनी फैमिली हो ना, आप लोगों से शेयर करना बहुत ज़रूरी है। जब मैं अपने मायके से आई थी ना, मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा था इधर, बिल्कुल नहीं। पर वो तो जब मैं शादी में गई थी, उसके बाद फिर मम्मी लोग आए थे, चाय मेरी बन के रेडी हो गई है, चाय रेडी हो गई है, फिर चाय। उसके बाद ना मुझे और काम भी करने हैं, चाय भी पीना जरूरी है। मैंने सब्जी काट ली है, सब्जी काटने के बाद अब मुझे गाजर छीलना है, इसको छील दूंगी, इसको काट के रखती रख। सब्जी काट के रेडी हूँ, और गाजर का ये भी कोड़ के रख दिया है मैंने। अब ना मैं रेडी हो गई हूँ, मुझे जाना है घूमने के लिए। सब्जी भी काट ली मैंने, गाजर भी क्रश कर लिया, उसके बाद मुझे जाना है घूमने के लिए। मैं और बीबी रेडी हैं, तो चलते हैं घूमते। ना बहुत ज़्यादा रात हो गई है, और अभी ना हम बाहर ही हैं, घूमने गई है, मतलब इतनी ज़्यादा रात हो गई है। हम ना घूम के आ गई थी मैं। घूम के आने के बाद ना थोड़ा देर में इसको पढ़ाई कराती हूँ शाम के समय में, क्योंकि बिल्कुल भी पढ़ता नहीं है, ना ही बिल्कुल। मम्मी तो मुझे मारती है। क्या? मम्मी तो मुझे आती है। मारती है? हाँ। पढ़ाई करो अपनी, हाय बोल दो सबको, सबको प्रणाम कर दो।
चलो आप लिखो, आप लिखो। तो अभी इसको थोड़ा देर पढ़ाई करानी है, खाना मेरा बन रहा है, क्योंकि इसको पढ़ाना भी थोड़ा बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि एक औरत के लिए ना सब जगह देखना होता है, बच्चे भी देखने होते हैं, घर भी देखने होते हैं, सास ससुर भी देखने होते हैं, सब जगह देखना होता है। जिसकी ही नहीं करो ना, वही बोलता है कि मेरा नहीं ये हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। इसलिए सब काम करने के बाद ही मैं इसको थोड़ा देर पढ़ाती हूँ। बहुत मुश्किल है यार, एक हाउस वाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है हर चीज़। चलो आप लिखो यहाँ पे। रोटी खाएगा ना, इसीलिए बना रही हूँ। ठीक है, अरे वाह, अच्छे से बना, अच्छे से। ये रोटी बनाना तुझे बस का, बना बना बना। मेरे डिनर की थाली जिसमें है गाजर का हलवा और सब्जी, माँ के थोड़ा सा रायता और दो रोटी। ये मेरा रात का डिनर है, तो फटाफट से कर। तो ऐसा हमने रात का डिनर कर लिया था। रात का डिनर करने के बाद ना अभी मैं यहाँ पे रूम पे आ गई हूँ, और रूम पे यहाँ पे हो रही है सोने की तैयारी। अभी सोए नहीं है, वहीं 9-10 बजे के टाइम पे सोते हैं। तो ना आज का ब्लॉग मैंने घर के रूटीन के मतलब उसमें बनाया था, एक छोटा सा ब्लॉग बनाया था, जिसके माध्यम से मैंने आपको दिखाया था कि दिन के रूटीन में मैं क्या करती हूँ। तो बाकी आपको अगर मेरा आज का ब्लॉग आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा। मैं गीता उत्तराखंडी कल के नए वीडियो में नए दिन के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें। जय देवभूमि उत्तराखंड।